अस्सलाम वालेकुम वेवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन, जिसके अज्जा हैं चिकन लिया हमने बोनलेस आधा किलो, आधा किलो हमने चावल लिए हैं बासमती राइस, एक कप हमने केचप लिया है टमाटर केचप, एक अंडा लिया है, एक चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई लिए हैं और एक टीस्पून नमक लिया है, दो चम्मच हमने चिली सॉस के लिए हैं, एक चम्मच हमने सिरका लिया है और दो चम्मच सोया सॉस लिया है। दो चम्मच हमने मैदे के लिए हैं, एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। एक टीस्पून काली मिर्चें हैं, एक टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और हाफ टी स्पून लाल मिर्चें और एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका दो दो चम्मच हैं। अब हम चिकन बोनलेस चिकन में हम सिरका डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, चिली सॉस दो चम्मच, सोया सॉस दो चम्मच, काली मिर्चें एक चम्मच, कॉर्नफ्लोर एक चम्मच और मैदा दो चम्मच। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए रख देंगे मिलाकर, और वन टीस्पून नमक मिला लेंगे इसमें, और एक अंडा जो हमने लिया था वो तोड़कर इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। ये हमारा 15 मिनट के बाद मैरिनेट हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और इसको डीप फ्राई कर लेंगे। दो मिनट के बाद इसको पलट लेंगे और इसके बाद इसका गोल्डन कलर आ जाए तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, जो हमने चिकन फ्राई करी थी उसी वही तेल थोड़ा सा उसमें डालेंगे और इसमें हाफ टी स्पून हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था उसको फ्राई करेंगे, दो चम्मच सोया सॉस, दो चम्मच चिली सॉस, एक चम्मच सिरका, इसको मिला लेंगे। अब एक बाउल हमने जो केचप का लिया है वो भी इसमें डाल देंगे और दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून चीनी मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसमें नमक, काली मिर्चें और कुटी मिर्च और पिसी हुई मिर्च ली थी हमने वो भी मिला लेंगे। अब हम इसमें आधी शिमला मिर्च हमने जो काट के रखी है वो मिला लेंगे। अब हम इसमें
500 ml पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। हम इसको पकने के लिए रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये हमारा पानी पक गया है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। चिकन डालने के बाद इसको भी 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 चम्मच और थोड़े से पानी के साथ इसको घोल लेंगे। हमारा कॉर्नफ्लोर घुल गया है। अब हमने जो चिकन पकने के लिए रखी थी उसके अंदर ये हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये हम कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा इसमें करके डालेंगे और इतना गाढ़ा रखेंगे कि ना पतला हो ना बहुत ज़्यादा ठीक हो जाए, नॉर्मल रखेंगे। ये हमारा शाशले तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे। अब हम बनाएंगे फ्राइड राइस। 2 चम्मच काली मिर्चें हैं इसमें, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका, 1 हमने गाजर लिया है उसको स्लाइस में काट लिया है, 1 हमने शिमला मिर्च लिए उसको भी हमने स्लाइस में काट लिया है, और हरी प्याज लिए उसके सिर्फ हरे पत्ते को काटा है। अब हम चावल को बॉईल करने के लिए रख देंगे हसबे जायका का नमक डालकर। ये चावल हमारे बॉईल हो गए, इसको हम छन्ने में छान लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे जो हमने चिकन फ्राई किया था वही तेल इसमें डालेंगे। इसमें हम गाजर जो हमने स्लाइस करके काटी रखी थी वो डालेंगे, शिमला मिर्च भी डाल देंगे और हरे पत्ते प्याज के जो डाले हैं वो भी इसमें डाल देंगे। इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। काली मिर्च डाल देंगे पिसी हुई, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। इसको भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और हसबे जायका नमक डाल लेंगे। ये फ्राई हो गई हैं, इसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारे फ्राइड राइस तैयार हैं। अब इसको डिश आउट कर लें।